सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जतिन ब्लॉग्स। और ये देख सकते हो कि मैं इतने समय हूँ इटावा में, और यहाँ पे ना मैं आया था मंदिर के लिए। और ये देख सकते हो यहाँ पे ना बिल्कुल कितना सुंदर मंदिर बना हुआ, और मंदिर के सामने ना बिल्कुल पार्क टाइप में। और आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा। मैं दीदी के साथ आया हूँ और यहाँ पे ना सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं। और इस टाइप में इस तरफ देखिए, ये पूरा मंदिर का लुक है। और इसके अंदर ना मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चल के चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ये है पूरे यहाँ पे, जो यहाँ पे ना भगवान है, यहाँ पे हनुमान जी का ये काउंटर पूरा है। और इस तरफ श्री राम जी का मंदिर है, और इसमें ना सबके मंदिर हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। और यहाँ पे ना राधा कृष्ण और दुर्गा माता का, और ये देखो यहाँ, और देख सकते हो यहाँ पे सरस्वती माता और भोलेनाथ भी हैं, और भी मतलब सभी भगवान हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुझे लगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल बहुत ही शांति है। और देख सकते हो अभी तो मंदिर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, अभी थे बट अभी सब लोग चले गए हैं। और हम लोग ना शाम के समय आए हुए हैं, और यहाँ पे ना लाला देख सकते हो आप फ़ोटो खींच रहा है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे सब लोग बाहर फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। और ये है पार्क, ये मंदिर का जो बाहर का है हिस्सा, ये पूरा पार्क है। और इसके अंदर ना साईं जी का मंदिर भी है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये साईं जी का मंदिर है। और यहाँ पे ना ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर आप लोग भी यहाँ पे अगर रहते हैं तो यहाँ मंदिर तो आप लोग ज़रूर ही गए होंगे। और ये देखिए मंदिर के पीछे का ये पूरा हिस्सा है। तो आप लोग क्या यहाँ पे गए हैं? तो अगर आप गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और देख सकते हो पूरा सारे भगवान हैं। और चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सरोवर है, यहाँ पे बत्तख भी है। और बत्तख देखिए इतनी सारी, इसमें तैर रही। लोग यहाँ पे खाने वगैरह भी देते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक